आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है कैस्पेरियन पट्टी कहाँ स्थित होती है तथा जल गति में इसकी भूमिका लिखिए। दोस्तों पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखेंगे कैस्पेरियन पट्टी। कैस्पेरियन पट्टी जो है ये कहाँ पर स्थित होती है? तो दोस्तों कैस्पेरियन पट्टी जो है ये पाई जाती है एंडोडर्मिस, पौधों की जो एंडोडर्मिस होती है। इस एंडोडर्मिस की अरीय व क्षैतिज भित्तियाँ जो होती है, एंडोडर्मिस की कौन सी भित्ति अरीय व क्षैतिज भित्ति जो होती है, अरीय व क्षैतिज भित्ति, इन भित्ति पर पाया जाता है एक जलरोधी स्थूलन। क्या पाया जाता है? एक जलरोधी स्थूलन पाया जाता है, ठीक है, यानी एक जलरोधी भाग पाया जाता है जिसे कैस्पेरियन पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो है कैस्पेरियन पट्टी, ये बनी होती है सुबेरिन की। किसकी बनी होती है? सुबेरिन की बनी होती है, जो कि क्या करती हैं, जल व खनिजों को एंडोडर्मिस से केवल सिम्प्लास्ट मार्ग से कोशिका कला द्वारा जाने के लिए बाध्य करती है। क्या करती है कि सुबेरिन की बनी पट्टी होती है जैसे कैस्पेरियन पट्टी कहते हैं, ये क्या करती है, जल व खनिज जो होते हैं, ठीक है, इन जल व खनिजों को क्या करती है कि सिम्प्लास्ट मार्ग से कोशिका कला के द्वारा, जो कोशिका कला होती है, कोशिका कला, उस कोशिका कला से जाने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। यहाँ पर जल जो है एपोप्लास्ट पथ से नहीं निकल पाता है। यदि हम इसके कार्य की बात करते हैं तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, ये क्या करती है, जल को पेरिसाइकल में जाने से रोकती है, जल को पेरिसाइकल में जाने से क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।